सीएम नीतीश का ओडिशा दौरा। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता और इनके पिताजी का से जो संबंध हाउस का दिया है और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। विपक्षी एकता पर सीएम की बात। जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसका आ नहीं पाए। सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है, आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। 2024 में पकेगी विपक्ष की खिचड़ी। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन अपोजिशन पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ओडिशा का रुख किया। उनके साथ मंत्री संजय झा और ललन सिंह भी थे। भुवनेश्वर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है, उन दोनों के रिश्ते पुराने हैं, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए वो भी चले आए। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध हाउस का दिया है और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं, इतना है। और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले, और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी, तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है, हम तो देखेंगे। हाँ नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है, आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। आनंद मोहन का फैसला कोर्ट करेगा। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के मामले पर कहा कि किसी को भी सजा होती है तो उसकी रिहाई होती है, अच्छा बर्ताव देखकर उसे छोड़ा भी जाता है। सिर्फ आनंद मोहन को लेकर क्यों सोचते हैं, पूरे देश के केस उठा कर देखिए। उनका मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला करेगा। आनंद मोहन सिंह को छोड़ा गया आपकी सरकार ने, कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का आक्रोश है। क्या बाहुबली आनंद मोहन सिंह को जो आपकी सरकार के आईएएस का नहीं, देखिए बात तो आप जान लीजिए ना कि किसी को भी सजा होती है, जेल होता है तो उसके बाद उसको रिहाई होती है, तो उसको तो पूरी सजा हो ही गई। लेकिन उसमें जो था, और आप लोग एक बार जरा सा जान लीजिए, केंद्र सरकार ने जो नियम 16 में बनाया उसमें कोई भी आईएएस वाले का भी उस पर होने पर नहीं कुछ है। हम लोगों के यहाँ पहले से कुछ था, अब बाद में उसको खत्म कर दिया गया, तो उसको जब पूरा टाइम पूरा हुआ तो उसका हो गया खत्म। लेकिन अब अभी कोई कुछ है नहीं। देखिए हम लोगों की तरफ जो किया गया, अरे भाई तो और कहीं का भी देख न लीजिए, ये तो पूरे देश का ना पता करना चाहिए। आप उसी एक आदमी के बारे में क्यों सोचते हैं? कोई भी गरीब गुरबा तबका हो, किसी का भी हो, किसी का कोई मर्डर होता है तो उसको जो सजा मिलती है वो आजीवन, तो उसके बाद तो हो जाता है ना भाई 40 साल के बाद, इस सब का तो और बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर तो उसको 20 साल माना जाता है, उसको बीच बीच में ही जेल से ही होने लगता है कि भाई इतना हो गया इसका। नवीन पटनायक ने क्या कहा? नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भुवनेश्वर में मिलकर अच्छा लगा। बिहार और सभी पड़ोसी राज्यों के साथ ओडिशा का अच्छा संबंध है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार का ओडिशा आना सुखद और फायदेमंद रहा होगा। आज इज एन ओल्ड फ्रेंडशिप, एज आई हैव सेड, एंड वी हैव आल्सो बीन कॉलीग्स मेनी इयर्स अगो। नो डिस्कशंस वर हेल्ड अबाउट एनी अलायंसेस टुडे। Thank you very much. Discussion on the lunch today at lunch, and also I want to repeat again: the land in Puri is being given free of cost to the Bihar government to build a Bihar government.
वहीं नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। विधायक कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मान चुके हैं कि ये इनकी विदाई यात्रा है, तो जब तक पद पर हैं उसके पहले सबसे मिल लेना चाहिए, इसलिए घूम घूम कर सबसे मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकजुटता कहां तक पहुंची है और आज वो नवीन पटनायक से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, जब व्यक्ति का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है तो वो उस अहंकार में, अपने अहम में व्यम को छोड़ देते हैं और बिहार की बर्बादी के बड़े नायक के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी अपने बड़े भाई लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर बढ़ चुके हैं। ये बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, करप्शन चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। एक एक व्यक्ति पांच पांच विभाग के मंत्री बने हुए हैं, विभाग नहीं संभल रहा है और अपने बलबूते कभी सरकार न बना सके, न बिहार की जनता का कभी ये विश्वास जीत सके। और आज गांधी जी के साथ पापकर्म के सिद्धांत को हर जगह लिखवाते हैं। मुंगेर के अंदर देखिए लिखा हुआ है, सिद्धांत विहीन राजनीति का, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है और न इनका कोई नेतृत्व स्वीकार करता है। बिहार की जनता पहले ही पर इनका इकबाल खत्म हो चुका है। अब देश के लोग के अंदर घूम घूम कर अपना विदाई यात्रा मना रहे हैं। जाने के पहले सबसे एक बार मिलने जुलने का अपना देशाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये कभी सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों को एक साथ लाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से और उसी दिन उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।